लेकिन हिंदी बोलने के बोल सकता हूँ अच्छी तरह से, तो हिंदी ही बोलूँगा और मुझे पता है आप सब समझ भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का इस इवेंट के, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस इवेंट में शामिल होने के लिए। साथियों, एपीसीआर और इम्पावर पीपुल जो इस कैंपेन को चला रहा है, इस कैंपेन की शुरुआत की है, ये कैंपेन आसाम से लेकर के दिल्ली तक चलाया जा रहा है। साथ में हम मार्च कर रहे हैं आसाम से दिल्ली तक। हम अभी 3,500 किलोमीटर तय कर चुके हैं और आगे का जो 4,500 किलोमीटर का रास्ता है वो तय करेंगे, और इसी तरह छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते हुए तमाम लोगों को साथ लेते हुए आगे चलेंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, सिविक एंटी ट्रैफिकिंग ग्रुप्स बनाएंगे, और वो सिविक एंटी ट्रैफिकिंग ग्रुप्स जो है वो ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक सामाजिक मूवमेंट होगा, एक सामाजिक आंदोलन होगा। साथियों, बड़े दुख की बात यह है कि आज की तारीख में जब हम चुपचाप बैठे हैं, तब समाज अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को लगातार बिक्री होते हुए देख रहा है। साथियों, ये सबसे खतरनाक बात है कि हमारे देश में जो हर रोज 200 लड़कियां ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं, उनमें 72 लड़कियां अकेले इस स्टेट पश्चिम बंगाल से होती हैं। साथियों, आज जरूरत है कि इनको रोकने के लिए इन भूखे भेड़िए जो हैं, ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनके दांतों को तोड़ने के लिए हमें आगे आना होगा। और ना सिर्फ हमें पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की बातें करनी होगी, बल्कि हमको सिविक आंदोलन की, जन मूवमेंट की बात करनी होगी, और उसके बाद जो है इन ट्रैफिकर्स को रास्ता दिखाना होगा, जेलों का इन ट्रैफिकर्स को रास्ता दिखाना होगा, बंद कोठरियों का, और बताना होगा कि हमारे सभ्य समाज में आपकी कोई जरूरत नहीं है। साथियों, ये सबसे खतरनाक बात है कि ट्रैफिकिंग की कोई एक शक्ल नहीं है, कोई एक रूप नहीं है, ट्रैफिकिंग कई तरह से होती है। और जैसा कि हम लोग आज भी बात कर रहे थे कि इसके कारण क्या है, ये कारण ही समझ नहीं आता। साथियों, मैं बताऊं, इसका कोई कारण नहीं है, ये क्रिमिनल्स का क्राइम है, जिसको जस्टिफाई करने के लिए ये कभी गरीबी का हवाला देते हैं, कभी लाचारी का हवाला देते हैं, और तमाम तरह के जो जो बहाने ये बना सकते हैं बनाते हैं। ये सीधा सीधा क्राइम है, इंसानी जानों को खरीदने और बेचने का ये जो धंधा 21वीं सदी में चल रहा है, ये मानवीय समाज के लिए बहुत खतरनाक है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं अपने ही घरों में, अपने ही मोहल्ले के सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। ये क्रिमिनल्स हमारी बहनों, हमारी बेटियों को लगातार सड़कों से उठा रहे हैं। आप जान करके ताज्जुब करेंगे कि देश भर में जो शादियों के नाम पे ट्रैफिकिंग होती है, उसका 50% अकेले पश्चिम बंगाल से लड़कियां उठाई जाती हैं, अकेले पश्चिम बंगाल से लड़कियां जाती हैं, और एक लड़की बार बार बिकती है। यहां से शादी करके जाने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो सौदा शुरू होता है, लगातार चलता चला जाता है। और ये खतरनाक आलम कि एक लड़की कम से कम 4 बार और ज्यादा से ज्यादा 9 बार तक बेची जाती है। और मैं बताऊं कि मैं कम से कम 4,000 लड़कियों से पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मिला हूं आमने सामने, उनमें एक भी ऐसी औरत नहीं थी जिसको कहा जा सके कि ये बहुत पहले शादी होकर के आई थी और अब अच्छे हाल में है। जो बूढ़ी औरतें मिली, वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांगती हैं, वो मार दी जाती हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी जाती हैं। जरूरत है कि हम इन तमाम लोगों को रोक दें, और रोकने के लिए हमें पुलिस का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, दुखद यह भी है कि पुलिस से ज्यादा खतरनाक काम हम समाज वाले करते हैं। इकलौती संस्था है पुलिस जो इन लड़कियों को रेस्क्यू करती है, इनको बचाती है, और हम समाज के तौर पे उन लड़कियों को लगातार धुतकारते रहते हैं। साथियों, जब यहां से
लड़कियां जाती हैं, बाद में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है हम जैसे एनजीओ वालों के जरिए, जब पुलिस रेस्क्यू करती है वापिस लाती है तो लड़की का सगा माँ बाप भाई बहन उसका पड़ोसी उसके गांव मोहल्ले कम्युनिटी वाला रखने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये लड़की साल भर मेरे घर से अलग रह गई, पता नहीं कि कहां रही किसके साथ रही। साथियों, वो लड़कियां भाग नहीं जाती, उन्हें उठा लिया जाता है। कई मामलों में माँ बाप उनको भेज देते हैं, कभी नौकरी के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी इश्क के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। मैं एक छोटी सी घटना एक शेयर करना चाहूंगा कि एक लड़की ब्लॉक ऑफिस में, इसी डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये, मैं नाम ब्लॉक ऑफिस का भी नहीं बता सकता और लड़की का भी नहीं। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की जाती है ब्लॉक ऑफिस में छात्रवृत्ति लाने, स्कॉलरशिप मिलती है ना, वहां से वो लड़की उठा ली जाती है। उसको होश आता है अलवर में, वहां वो लगातार 3 बार भेज दी जाती है और उसके बाद जब वापस उसको लाया जाता है यहां तो उसके माँ बाप उसको रखने से इनकार कर देते हैं। ऐसी हालत में आप सोचें, कि जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इन चीजों को रोकना चाहते हैं, वो कैसे रोक पाएंगे जब लड़की के खुद का माँ बाप इनकार कर देगा रखने से। आपको मैं बताऊं कि हमारे एफर्ट्स ने, हमारे कैंपेन ने, हमारे मूवमेंट ने अब तक लगभग 450 लड़कियां रेस्क्यू की है, जिसमें से 350 माँ बाप ने सीधे तौर पर बच्चियों को रखने से मना कर दिया। जरूरत है कि ऐसे माँ बाप को समाज वाले समझाएं, सिखाएं, बताएं और कहें कि ये जो मजलूम लड़की है ये हमारे जुल्म का शिकार हुई है, हम इसको नहीं बचा सके, इस वजह से ये जुल्म का शिकार हुई है, ये लड़की जो है सालिम नहीं है, मजलूम है और मजलूम के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, हम मजबूती के साथ मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, बेटी बेटी होती है चाहे किसी की हो। आप याद कीजिए 20 साल पुराना समाज, जहां पे किसी बेटी की शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार, पूरा कस्बा, पूरा शहर एक टांग पे खड़ा हो जाता था। ना किसी को शामियाना खरीदने की जरूरत होती थी, ना किराए पे बर्तन लाना होता था, सारे मोहल्ले वाले जो है खुद से मिलजुल करके उस शादी में इन्वॉल्व हो जाया करते थे। वो सामाजिक स्प्रिट कहां गई? उस सामाजिक स्प्रिट की जरूरत है लड़कियों को बचाने के लिए। और दूसरी बात मैं कह दूं कि वो ट्रैफिकर्स जो हैं वो कहीं से आते नहीं, बाहर से नहीं आते। मैं यहां आया हूं, यहां खड़ा होकर के बोल रहा हूं इस वजह से कि यहां मुझे लोकल सपोर्ट है, यहां के लोग हैं मेरे साथ, वरना मैं नहीं बोल सकता था। वो तो आते हैं, लड़की लेके जाते हैं, क्या लोकल सपोर्ट नहीं है? लोकल सपोर्ट है, हमारे परिवार में है वो ट्रैफिकर, वो कमीशन खोर जो हमारी बेटियों के, हमारे बहनों के को का दाम में कमीशन खा रहा है। तो जरूरत है कि उनकी पहचान की जाए, उनके दांत तोड़े जाएं, जो खून लगा है उनके पंजों को जेलों में बंद कर दिया जाए। साथियों, हम जो ग्रुप बना रहे हैं, ये सिविक एंटी ट्रैफिकिंग ग्रुप, उसका उद्देश्य यही है कि वो लोकल स्तर पे, क्योंकि मैं बोलूंगा मेरी भाषा समझ नहीं आएगी कईयों को, मैं बोलूंगा तो मुझ पे विश्वास कोई क्यों करे, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो लोकल समाज है, जरूरत है कि वो आगे आए और अपनी बेटियों की रक्षा सुनिश्चित करे, ये पक्का करे कि हमारी बेटियां ना तो बाहर जाएंगी और ना हम जाने देंगे। कोई अगर लालच देगा, कोई ट्रैफिकर अगर उठाने की कोशिश करेगा तो उसके खूनी दांतों को तोड़ देंगे। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि समाज की जो छुप्पी है वो अक्सर भारी पड़ती है परिवारों पे। ये जो ट्रैफिकर्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को उठा के बेचा करते हैं, ये हमारे खुद के समाज के हैं। दूसरी बात ये कि इनका जो चरित्र है वो सियार की तरह होता है। जैसे सियार बकरी पकड़ता है, उसके बाद कुछ दिन तक इंतजार करता है, पॉज देता है, लगातार नहीं पकड़ता,
एक बकरी पकड़ी, फिर हफ्ते भर इंतजार करता है, फिर दूसरी पकड़ता है, फिर तीसरी। और जैसे ही उसको समझ आ जाता है कि इस गांव के लोग जो हैं वो रखवाली नहीं करते, वो तेजी से डेली उठाना शुरू कर देता है, तब लोग डंडा लेकर के निकलते हैं गांव में। ट्रैफिकर्स बिल्कुल ऐसे होते हैं। आपको मैं बताऊं, मालदा डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी घटना, अभी जहां से हम लोग आ रहे हैं तो रास्ते में मीटिंग के दौरान क्या हुआ कि तीन माएं रोने लगी। जब हम लोग पहुंचे कि क्या हुआ, क्या बात है, तो पता ये चला कि तीन बेटियां जो हैं वो गायब हो गई थी एक साथ, तीन लड़कियां। लड़कियों की उम्र थी 2 की 12 साल, 1 की 14 साल। हमने बहुत कोशिश की, पूछा कि लड़की जो है कहां गई, कैसे गई, तो वो लोग बात यूं बदल रहे थे कि मुझे शक हुआ इन्होंने खुद ही कहीं भेज दी है। बाद में हमें यह पता चला कि वो ट्रैफिकर का नाम जानता है जिसने उसकी लड़की उठाई है, वो तीनों लोग नाम जानते हैं, लेकिन गांव वालों की प्रेशर की वजह से वो नाम पुलिस में भी नहीं लिखवा सके। वो जो गांव के लोग, इज्जतदार लोग हैं, वो जो सब समाज के लोग हैं, बाद में अगर वही लड़की वापिस आती है तो यही जो है टोंट करेंगे, यही लोग, इन लोगों की वजह से लड़की का बाप अपने बेटी के जालिमों का नाम नहीं लिखवा सका थाने में। 2 साल उस मामले को गुजर गया, अभी केस हमारे हाथ आया है और हो सकता है हम जो है 2-4 महीने में उन लड़कियों को छुड़ा के लाएं, लेकिन 2 साल तक पूरा समाज चुपचाप ट्रैफिकर्स के साथ खड़ा रहा। हुआ क्या, 2 साल बाद 1 महीने पहले एक लड़की फिर उसने उठाई। इस बार वो जो है लड़की थोड़ा बड़े घर की थी, थोड़ा पावरफुल फैमिली की थी, इसलिए जो है वो गांव से भाग गया और तमाम चीजें हुई। लड़की वापस, एक लड़की जो है वापस, फिर चौथी लड़की वापस आई। मतलब अगर किसी गरीब या किसी मजलूम फैमिली के साथ, परिवार के साथ ऐसी घटना होती है और आप चुप रहते हैं, तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है और आपकी बेटी, आपकी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन पे खतरा है। तो आइए आप संकल्प करें कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षा देंगे और ये बताएंगे ट्रैफिकर्स को कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं बेचने के लिए नहीं है। और जो ऐसा सोचेगा वो अपनी जिंदगी, बाकी की जिंदगी काल कोठरी में बिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।